हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी एकेडमी पर। और मैं जावेद हुसैन लेके आया हूँ आपके लिए आयु का गुणनफल। और ये टॉपिक पेपर के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर के उद्देश्य से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और आयु का गुणनफल उसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है ना? तो क्लास 12 के लिए आपका 8 नंबर में इसका यूज होता है, तो इसलिए इससे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का आव्यूह का गुणनफल पालन नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं आपका ए और बी दो आव्यूह हैं, इसमें गुणा करने पर ए बी और बी ए समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। मतलब अगर ए का बी से गुणा करवाते हैं और बी का ए से गुणा करवाते हैं तो दोनों समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यानी कि ए बी का गुणनफल और बी ए का गुणनफल दोनों में चेंजमेंट होता है या हो सकता है। ठीक है, तो ए बी और बी ए दोनों समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ए बी का गुणा और बी ए का गुणा समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि क्रम विनिमेय नियम का आव्यूह का गुणनफल पालन नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। आव्यूह का गुणा, अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां तो अगर गुणा कर दिया तो गलत हो जाएगा। अगर इस नियम को फॉलो ना करते हुए आपने गुणा कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको। आव्यूह का गुणा तभी संभव है या तभी संभव होता है, आव्यूह का गुणा तभी संभव होता है यदि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या समान हो। पहले के स्तंभों की संख्या, स्तंभ की संख्या और दूसरे के पंक्तियों की संख्या समान हो तभी आव्यूह का गुणनफल संभव होगा। जैसे नीचे देखते हैं, यदि ए बराबर ये और बी बराबर ये है तो ए बी, ए का क्रम होगा 2 गुणते 3, यानी कि 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, पंक्ति गुणते स्तंभ। तो आव्यूह का ए का क्रम हो गया 2 गुणते 3 और बी का हो गया 2 गुणते 2। ए बी का गुणा संभव नहीं है, वजह क्या है जरा समझिएगा इसको। ए पे हमने बोला था ए बी में ए पहले आया हुआ है, मतलब पहला आव्यूह ए कहलाएगा। तो ए आव्यूह में स्तंभ 3 है, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के समान होना चाहिए। तो क्या ये समान है? यहाँ 3 स्तंभ है और दूसरे वाले की पंक्तियां 2 हैं, समान नहीं है, इसलिए गुणनफल संभव नहीं है। अच्छा, पहले आव्यूह ए बी में ए है, जबकि ए है इसलिए पहला कहलाएगा, और ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के समान नहीं है, इसलिए ये गुणा संभव नहीं है। बी ए को देखें तो बी ए में पहला बी है, यानी कि पहला आव्यूह अब क्या कहलाएगा? बी ए के हिसाब से बी। अब पहला जब बी है तो बी में स्तंभों की संख्या और ए दूसरा है तो दूसरे की पंक्तियों के समान है, पहले वाले के पंक्तियां स्तंभ दूसरे वाले के पंक्तियों के समान, यानी कि बी ए संभव हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं, इसलिए हम ये भी संभव नहीं है बी। अब इसको और डिटेल में समझ लीजिएगा। बी ए में देखो, ये आव्यूह बी पहले वाले रख दिया और ये पहले रख दिया, जरा मैच कराओ स्तंभ, पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्तियां दोनों इक्वल है, इसलिए गुणा संभव होगा। ठीक है, गुणा भी हम समझ लेंगे कैसे करना है, उसकी आप टेंशन मत लो। पहले ये समझो कि कब गुणा संभव है और कब गुणा संभव नहीं है। पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति समान है, इसलिए गुणा संभव। और ए बी में पहले वाले की स्तंभ दूसरे वाले की पंक्तियां समान नहीं है, इसलिए गुणा संभव नहीं है। ठीक है, चलते हैं गुणा, देखते हैं कि गुणा कैसे करना है इसका, देखते हैं उदाहरण को। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आपका, ए बराबर ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। देखते हैं, ए बी में ए की पहले वैल्यू, बी की वैल्यू रखवा दी, उसके बाद देखते हैं पहले पहले चेक करते हैं गुणा संभव है कि नहीं। पहले वाले की स्तंभ, पहले वाले आव्यूह का स्तंभ दूसरे वाले की पंक्तियों के समान है, इसलिए गुणा संभव होगा। ठीक है, ये तो हमने चेक कर लिया कि गुणा संभव। अब होना कैसे ये आपको ध्यान देना है जरा। इसमें गुणा का तरीका ये होता है आपका कि पहले दूसरे आव्यूह का स्तंभ, दूसरे आव्यूह के स्तंभ के अवयवों से पहले आव्यूह के पंक्तियों को मल्टीपल करते हैं, पहले दूसरे आव्यूह
के स्तंभ के अवयवों को पहले अवयव के पंक्ति के अवयवों से मल्टीप्लाई करते हैं, तरीका देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं। पहले वाले का पहले से तो तीन एकम माइनस तीन, जीरो का जीरो, दो से तो जीरो, अब बीच में प्लस ही लगेगा ये ध्यान रखिएगा, जब गुणा होगा पहले एक अवयव का होगा उसके बाद प्लस, फिर दूसरे का होगा फिर प्लस, फिर तीसरे का होगा फिर प्लस, और आगे अगर ऐसे ही होंगे तो प्लस होता जाएगा। तो देखिए तीन एकम माइनस तीन, जीरो का दो से हुआ तो जीरो, बीच में क्या लग गया प्लस, फिर चार का तीन से चार त्याई, माइनस का बारह, वैसे होता प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस मिलकर क्या बन गया माइनस, फिर इसी स्तंभ का दूसरे वाली पंक्ति से तो तीन चौको माइनस का बारह, फिर जीरो दूसरे वाले का दूसरे से, जीरो का पांच से जीरो, फिर चार छंग चौबीस। ठीक है, पहले स्तंभ का हो गया, अब चलते हैं दूसरे स्तंभ का, तरीका यही रहेगा, फिर इस स्तंभ को इस पंक्ति से करवाएंगे तो दो एकम दो, दो एकम दो और पांच त्याई पंद्रह, बीच में प्लस होता पर इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या बन गया माइनस। ठीक है, इस स्तंभ का सेकेंड वाले से करवाते हैं तो दो चौको आठ, चिन्ह लगा लीजिएगा अपना। ठीक है, एक पंचे पांच, पांच का तीस, ठीक है, इसको कैलकुलेट करवा लिया तो ये आपका ए भी निकल आया। ठीक है, ये आपका क्या निकल आया, ए भी निकल आया। अब चलते हैं बीए पर, बीए में चेक करते हैं तीन गुणते दो यानी कि स्तंभ और पंक्तियां समान मल्टीपल हो जाएगा, तरीका सीखिए फिर से एक बार देखिए। तो पहले स्तंभ का पंक्तियों से करवाते हैं, पंक्ति के अभ्यो से करवाते हैं तो तीन एकम तीन, चार दूनी आठ, फिर इसी स्तंभ का दूसरे से करवाएंगे तो पहले वाले का पहले जीरो से और चार एकम चार। ठीक है, फिर इसी स्तंभ, अब इसी स्तंभ का तीसरी वाली लाइन से तो चार एकम चार और चार पंचे बीस। ठीक, ऐसे ही सेकंड वाले का इससे इससे और इससे तीनों से करवा देंगे, ऐसे ही थर्ड वाले का इससे इससे और इससे करवा के मल्टीप्लाई ये और कैलकुलेट करवाएंगे तो आपका ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्त, इसका भी यूज आपका ए इनवर्स निकालने के काम में आता है। ए इनवर्स निकालने के लिए परिवर्त की आवश्यकता होती है और ए इनवर्स आपका बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष हर साल आठ नंबर का जरूर आता है, कंपलसरी है आना, वो तो रखा ही रखा होगा, और आठ नंबर तैयार करने के लिए आपको परिवर्त सीखना होगा। ठीक है, पंक्तियों को स्तंभ में बदलना, पंक्तियों को स्तंभ में बदलना या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो प्राप्त अवयव होगा वही प्रारंभिक अवयव का परिवर्त कहलाएगा। यानी कि पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्तियों में, या कह सकते हो या स्तंभ को पंक्तियों में बदलोगे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, इसी चेंजमेंट को ही हम परिवर्त कहते हैं। उदाहरण से सीखिएगा जरा, ए बराबर आपका उदाहरण दिया ही है। ठीक है, अब हमारे लैंग्वेज थी स्तंभ को पंक्तियों में बदल दो चाहे, और या पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो तो आपका परिवर्त हो जाएगा। देखते हैं, परिवर्त करने पर ये स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, ये स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, ये आपका डैश ए डैश निकल आया, ये आपका हो गया ए डैश। ओके, स्तंभ को पंक्ति में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया, यही आपका क्या कहलाएगा परिवर्त। ठीक, क्लियर, चले आगे। ओके, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है सममित अवयव। सममित अवयव में यदि किसी अवयव का परिवर्त उसी मूल अवयव के समान हो, मूल मतलब जो अवयव था आपका उसी के समान हो तो सममित अवयव कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है ए, यानी कि कोई अवयव है और अगर उसका परिवर्त करें दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, सममित अवयव। ठीक है ना, सम्मित अवयव यानी कि किसी अवयव का परिवर्त करने पर वो मूल अवयव के समान रहे तो सम्मित अवयव कहलाता है। विषम सम्मित इसी के अपोजिट होता है, यदि कि अवयव का परिवर्त करें और वो उसको निगेटिव वैल्यू दे दे, मूल अवयव के निगेटिव के बराबर हो तो विषम सम्मित अवयव कहलाता है। उदाहरण समझ लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी ये दे रखी है, परिवर्त करते हैं तो पंक्ति को स्तंभ, ये सम्मित का उदाहरण है। ठीक है, ये सममित का उदाहरण है तो इसमें स्तंभ को पंक्ति में, स्तंभ को पंक्ति में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया तो ये आपका परिवर्त हो गया। तो देखने पे क्या दिखाई पड़ रहा है, दोनों ही वैल्यू आपकी समान है, अतः
यहाँ पर ए बराबर ए डैश है, तो ये कैसा कहलाएगा? इस प्रकार का आव्यूह सममितव्यूह कहलाता है। विषम सममितव्यूह के उदाहरण पर चलते हैं। मान लेते हैं कि कोई आव्यूह आपका ए बराबर ये दे रखा है, ठीक है, इसका परिवर्त करेंगे तो ए डैश की वैल्यू ये, यानी कि स्तंभों को पंक्तियों में, स्तंभों को पंक्ति में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया, डैश निकल आया, तो मैच करवाइए क्या आपके समान है वैल्यू, नहीं है, मतलब ये सममित तो नहीं होगा, ठीक। अब जरा माइनस कॉमन लेके देखते हैं कि हमारा विषम सममित बनता है या नहीं बनता है। तो माइनस सभी से कॉमन आएगा, क्योंकि कॉमन जब होता है आव्यूह में तो सभी पदों से कॉमन आता है, ठीक। सबसे कॉमन जब लोगे तो जीरो रहेगा, टू प्लस का था, अब जब माइनस निकल चुका है तो क्या बना, माइनस, ये माइनस वाला हो गया प्लस का, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस, जीरो तो जीरो ही रहता है। थ्री, अब ये थ्री प्लस का जब माइनस कॉमन लोगे तो आपका एक हो जाएगा, ये निगेटिव चिन्ह हो जाएगा, ये निगेटिव चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। एक प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस वाला माइनस का था प्लस का जीरो, ठीक। ये वैल्यू आप मैच करवाओ, ऊपर ए की वैल्यू के समान आती है, ए की वैल्यू के समान, पर एक गलती आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, ये जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब मैच कर गई ये ए वाली वैल्यू, ए डैश ये ए की वैल्यू के समान है, देखो है, तो इसकी जगह पे हम पूरे की जगह पे ये किसका मान है, ए का मान है, तो इसकी जगह पे हमने ए रख दिया, और ये फॉर्मूला किसका फॉलो करवा गया, विषम सममित आव्यूह का, ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू।